दरबारी बाल्टी गोश्त। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दरबारी बाल्टी गोश्त बनाना सिखा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 kg बीफ या मटन भी ले सकते हैं, और मैं बोन्स के साथ यूज़ कर रही हूँ, आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप दही, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 से 1.5 खाने का चम्मच पिसा लहसुन अदरक, 1 खाने का चम्मच सॉल्ट, 1 चाय का चम्मच हल्दी, तकरीबन 1 खाने का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 कप ऑयल, 2 बड़ी प्याज है इसको हम स्लाइस कर लेंगे, 4 टमाटर, 3 हरी मिर्चें। उसके अलावा हमें चाहिए तकरीबन 24 से 25 काजू और 4 से 5 पत्ते जो हैं बे लीफ के हम ले लेंगे, तेज पात जिसे कहते हैं। इसमें हमने 2 खाने के चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया लिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये मैंने 4 से 5 ली है। ये 1 खाने का चम्मच हम मेथी दाना या मस्टर्ड सीड लेंगे, और 2 खाने के चम्मच तेल लिया है इसमें, और 2 खाने के चम्मच हमने खशखश लिए। इन दोनों मसालों को हम पहले तवे पे अच्छी तरह भून के पीस लेंगे, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना। ये देखें मैंने इसको तवे पे अच्छी तरह मसालों को भून के इसे पीस लिया है। अब हम इसे दही में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम अपने बाकी के सारे मसाले भी डाल लेंगे। ये 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट ऐड कर दिया इसमें, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा मैं ज़्यादा इसमें डालूँगी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने पिसा गरम मसाला ऐड करूँगी, 1.5 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे हम। अब इसमें ये जो हमारा गोश्त है इसको ऐड मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए हम रख देंगे। तकरीबन आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें तो ज़्यादा अच्छा बनता है, वरना अगर आपको जल्दी बनाना है तो भी इसको मिनिमम 2 to 3 hours तक मैरिनेट करिएगा। इसे मिक्स करके मसाले को हम फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये मेरा गोश्त जो है मैरिनेट हो गया है। ये मैंने प्याज जो है काट के रख ली है, टमाटर और हरी मिर्च भी काट ली है। अब हाँ, और ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है, अब प्याज को फ्राई करते हैं। ये मेरा ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डाल के ब्राउन कर लेंगे। ये मेरी प्याज ब्राउन हो गई है, अब मैं इसमें जो गोश्त हमने मैरिनेट करा हुआ था ये डाल देंगे। अब ये मैंने गोश्त डाल दिया, अब इसको हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। ये थोड़ा फ्राई हो गया है गोश्त, अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्ची हमारी जो थी वो डाल देंगे, और इसके साथ ही हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। ये जो मेरे बाउल में मसाला रह गया था हमने इसी में पानी मिक्स करके इसमें ऐड कर दिया है, ताकि सारा मसाला हमारा बन जाए। अब इसको फुल आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद हम इसको गलने के लिए 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे गोश्त को, 20 से आधा घंटा जितना भी देख लेगा उसमें। जब हमारा गोश्त गल जाएगा तो फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए ये सालन जो है हमारा भुनने पर आ गया है और गोश्त अच्छी तरह गल गया है। अब इसको हम सिर्फ भुनेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा सालन भून चुका है और मुझे इतना ही इसमें वो चाहिए ग्रेवी, इसलिए इस स्टेज पे मैं इसको बंद कर दूंगी और डिश आउट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने डिश आउट कर दिया है, और जो है आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।